हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग पार्ट वन। दिस इज द सेकंड चैप्टर ऑफ आईसीएसई क्लास 10th। बिफोर वी बिगिन, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल ऑन यूट्यूब विच इज़ विद द नेम कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। और साथ ही हमारा एक फेसबुक ग्रुप भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, और इस ग्रुप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए, लेट्स बिगिन विद टुडेज टॉपिक। केमिकल बॉन्डिंग में हम आज पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, इलेक्ट्रोवेलेंट, एनायनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम ये देखेंगे कि एटम्स आपस में कंबाइन क्यों होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि वो केमिकल बॉन्ड्स क्यों बनाते हैं। टू बिगिन विद द बेसिक्स, आप हमारा एक वीडियो ऑन एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लास 8 का रेफर कर सकते हैं फॉर सम इनिशियल गाइडेंस। चलिए, अब क्वेश्चन आता है कि एटम्स आपस में कंबाइन क्यों होते हैं। देखिए, इसको मैं एक नॉर्मल एग्जांपल से आपको देना चाहूंगी कि अगर आपको भूख लगी है, ठीक है, मान लीजिए आप लंच में दो चपाती खाते हैं, ठीक है, अगर मैं आपको आधी चपाती दूं, यानी कि आप दो चपाती खाते हैं और मैं आपको सिर्फ आधी चपाती देती हूँ, तो आपका पेट फुलफिल नहीं होगा और आप क्या कोशिश करेंगे कि आप किसी भी तरह से दो चपाती की जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर लें। इसी से हम कनेक्ट करते हैं अपने एटम्स की कॉम्बिनेशन को। एटम्स हमेशा कोशिश करते हैं कि वो इनर्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लें, यानी कि जो हमारे शेल्स होते हैं के एल एम एन ओ एंड पी, जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स के शेल में आ सकते हैं, जो 2 होता है, जो L में आ सकते हैं, जो 8 होता है, जो M में आ सकते हैं, N में आ सकते हैं, O में या P में, जो भी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ये उतना खाना खा लें और उसके बाद ये आराम से रेस्ट करें और इनको कुछ भी करने की ज़रूरत ना पड़े। अब जिन एटम्स का पेट फुलफिल नहीं हो पाता, वो बेचारे भटकते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि हम अपना किसी से मांग के या किसी से छीन के अपना पेट फुलफिल कर लें। यही एक बेसिस है जिसकी वजह से एटम्स कंबाइन होते हैं केमिकल बॉन्ड्स को बनाने में। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट इज टू अटेन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन विच एज अ रिजल्ट गिव्स देम स्टेबिलिटी। अगर आपका पेट भर गया तो आपकी भूख खत्म हो गई, अब आपको और खाना खाने की जरूरत नहीं है। और ऐसा किस टाइप के एटम्स में पाया जाता है? वी हैव सम इनर्ट गैसेज नेम्ड हीलियम, नियॉन, आर्गन, और इसके अलावा और भी होती हैं क्रिप्टन, जिनॉन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब बात करते हैं उन एटम्स की जिनका पेट नहीं भरता है, जो बेचारे तलाश में हैं और एटम्स के। तो जो सबसे पहला बॉन्ड आज हम देखेंगे वो है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोवेलेंट, या फिर जिसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है, इसको हम आयनिक बॉन्ड क्यों कहते हैं? इस टाइप के बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहले तो ये एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में फॉर्म होता है। और जब मेटल यूजुअली, जो डेफिनेशन से भी होता है, मेटल्स आर द सब्सटेंसेस विच लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉन मेटल्स आर द वन विच गेन इलेक्ट्रॉन्स। तो जब एक मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, कैटायन। व्हाट डू वी कॉल इट? कैटायन। कैटायन मींस पॉजिटिव चार्ज। नॉन मेटल जो कि इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इट गेन्स एन इलेक्ट्रॉन एंड हेंस इट गेट्स अ नेगेटिव चार्ज, इट बिकम्स एन एनायन। तो क्योंकि इस टाइप के बॉन्ड में आयंस फॉर्म्ड होते हैं, जैसे कि मेटल क्या बन गया, कैटायन, नॉन मेटल क्या बन गया, एनायन, इसलिए हम इस बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं। तो जो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड है, इट इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ आयनिक और अ को इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। ये बॉन्ड किससे बनता है? ट्रांसफर से। ये हमेशा एक नॉन मेटल और एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में बनता है। जो एटम, यानी कि जो अभी मैंने आपको बताया, मेटल्स के जो एटम होते हैं वो हमेशा अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, जिसकी वजह से वो क्या चार्ज अटेन करते हैं, पॉजिटिव चार्ज। और जो नॉन मेटल के एटम्स होते हैं वो
इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, यानी कि नेगेटिव चार्ज को गेन करते हैं, जिसकी वजह से वो क्या बन जाते हैं, एनायन या फिर नेगेटिवली चार्ज। इसका एक एग्जांपल हम लेके देखते हैं। सपोज वी हैव अ सोडियम एटम। ये आई एम अज्यूमिंग कि आपको पता होगा कि एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी कि प्रेजेंट में इस सोडियम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है, यानी कि इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही प्रोटॉन्स हैं जो आपस में एक दूसरे का चार्ज कैंसिल कर रहे हैं और ये एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब मान लीजिए इस सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, यानी कि अपना एक नेगेटिव चार्ज दे दिया, तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। एक्चुअली पॉजिटिवली चार्ज का मतलब होता है इसके पास इस टाइम प्रोटॉन्स ज्यादा हैं और इलेक्ट्रॉन्स कम हैं, इसलिए वी से इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज आयन। सिमिलरली इफ वी सी क्लोरीन, अभी ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन का एटम भी एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम है, यानी कि इसके ऊपर अभी फिलहाल कोई भी चार्ज नहीं है, पर अगर ये क्लोरीन का एटम एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, यानी कि इसने क्या किया, नेगेटिव चार्ज को गेन कर लिया, और नेगेटिव चार्ज गेन करने से ये क्या बन गया, क्लोराइड का आयन, दैट इज एन एनायन, जो हमने यहाँ पे देखा था, दिस बिकम्स क्लोराइड का आयन। तो ये फर्क होता है इन गेनिंग एंड लूजिंग इलेक्ट्रॉन। अब हम इसका मेन बेसिक्स पढ़ते हैं कि ये बॉन्ड्स फॉर्म कैसे होते हैं। तो हम एग्जांपल लेते हैं NaCl का, यानी कि सोडियम एंड क्लोरीन का। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो एज पर अवर रूल इसका जो इनर मोस्ट शेल होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दो। इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, 8 एंड 1। तो फर्स्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, और जो इसका आउटर मोस्ट शेल बचता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक। अगर आपको इन इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता हो तो प्लीज रेफर टू अवर वीडियो ऑन केमिकल ऑन एटॉमिक स्ट्रक्चर। हाँ जी, लेट्स कंटिन्यू। तो सोडियम का जो लास्ट यानी कि वैलेंस शेल है, जहां पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर आना या जाना टेक प्लेस करता है, उसको बोलते हैं हम वैलेंस शेल। ठीक है, तो ये हमारा वैलेंस शेल है सोडियम का। अब इस वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक। तो और होने कितने चाहिए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, या तो 2, 8, 8 हो जाए या फिर 2, 8 हो जाए। अब इस सोडियम के लिए एक इलेक्ट्रॉन होने के बाद 7 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, तब ये 2, 8, 8 का कॉन्फ़िगरेशन अचीव करेगा। बट इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स कहीं से लेना या फिर अट्रैक्ट करना या फिर खींचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, इन कंपैरिजन टू अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देना। तो ये सोडियम क्या करता है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। अब ये किसको देता है, एक इलेक्ट्रॉन ये उसको देगा जिसको एक इलेक्ट्रॉन की भूख होगी, यानी कि यहाँ पे इस केस में हमारे पास क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है 17, जिसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, 8 एंड 7। अब देखो ये क्लोरीन भी बेचारा भटक रहा है, अनस्टेबल है, क्योंकि इसके पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। अब इसके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए या तो ये 2, 8 बना ले या फिर 2, 8, 8 बना ले। ठीक है, 2, 8 बनाने के लिए इसको ये 7 इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे, जो कि अगेन इम्पॉसिबल या फिर नामुमकिन होता है। तो इसके पास कौन सा ऑप्शन बचा कि ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके 2, 8, 8 बना ले। तो लेट्स ड्रॉ दिस डायग्राम फॉर क्लोरीन। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो सोडियम और क्लोरीन आपस में फ्रेंडशिप करते हैं और सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, जिसके बाद इसके पास 8 हो जाते हैं और दिस बिकम्स सोडियम प्लस, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 एंड 8। क्लोरीन बन गया Cl-, दैट इज क्लोराइड आयन, और इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, 8, 8। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल, हेंस द पर्पस अचीव्ड।
तो अब ये बॉन्ड किससे बना था? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया था। आई होप आपको NaCl की बॉन्ड फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ इज कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म्ड, कैल्शियम मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल, बॉन्डिंग इलेक्ट्रोवेलेंट या फिर आयनिक। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, तो इसका कॉन्फिगरेशन बनता है 2, 8, 8, 8, 8, 16, 2, 18, 2 are left in the valence shell. Oxygen is 8, that means 2 and 6. मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन ना पता हो तो प्लीज रेफर टू अवर वीडियो। अब कैल्शियम का फर्स्ट शेल 2, सेकेंड शेल 8, सेकेंड शेल, थर्ड शेल 8 एंड फोर्थ शेल इज 2। अभी अगर कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन्स को हटा दे या 6 इलेक्ट्रॉन्स को ले ले तो ये स्टेबल हो जाएगा, जो कि फिलहाल की कंडीशन नहीं है। 2 इलेक्ट्रॉन्स को देना आसान है इन कंपैरिजन टू 6 इलेक्ट्रॉन्स को लेना। और ऑक्सीजन इज 2 इन द फर्स्ट शेल एंड 6 इन द सेकेंड शेल, तो ये दोनों आपस में दोस्ती करेंगे और कैल्शियम बोलेगा कि तू मेरे से अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स ले ले, और कैल्शियम बन जाएगा Ca2+, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं। और ये क्या है? कैल्शियम का कैटायन, और इसका कॉन्फ़िगरेशन अब क्या हो गया? 2, 8, 8, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ऑक्सीजन का क्या हो गया? 2 and 8, एंड इट इज O2-, बिकॉज इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स का 2 नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ चुका है। और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 2 and 8, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, बोथ आर हैप्पी एंड हेंस दे फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। इसी तरह से हमारे पास और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि वी हैव MgCl2, और यू कैन से कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सो मैनी। ठीक है, तो अगर आपको किसी का इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्डिंग एग्जाम्पल अगर आपको नहीं समझ में आ रही हो तो प्लीज़ कॉमेंट ऑन द कॉमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन एक्सप्लेन। तो ये थे हमारी कहानी इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड की। लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स सी क्या कंडीशंस होनी चाहिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, सॉरी फॉर दिस, दिस इज फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। सबसे पहले लो आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब इस चीज का क्या मतलब है? लो आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब है कि लेने वाली एनर्जी कम है, देने वाली एनर्जी ज्यादा है, यानी कि मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं ले सकूं, बट हाँ इतनी है कि मैं दे पाऊं। तो हमारे NaCl के केस में सोडियम के पास इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो 7 इलेक्ट्रॉन्स ले पाए, बट इतनी थी कि वो 1 इलेक्ट्रॉन को दे पाए, इसलिए सोडियम का यहाँ पे लो आयनाइजेशन पोटेंशियल है। देन नेक्स्ट वी हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इस वर्ड से हम क्या समझते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी का मतलब होता है किसी चीज को बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स से अट्रैक्ट करना। एफिनिटी मतलब, जैसे मान लो आपको चॉकलेट बहुत पसंद है, तो जब भी आप चॉकलेट को देखोगे आपके अंदर एक एफिनिटी डेवलप होगी, आपके अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन डेवलप होगा कि मैं उस चॉकलेट को ग्रैब कर लूं। इसी तरह से जब हम इलेक्ट्रोवेलेंस बॉन्ड की जब हम उसको स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि ये बॉन्ड तभी फॉर्म होते हैं जब किसी भी एक एटम के पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत होती है। NaCl के केस में किसके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा थी, इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत ज्यादा थी? वो था हमारा क्लोरीन। इसने तुरंत 7 इलेक्ट्रॉन्स देने की बजाय 1 इलेक्ट्रॉन को सोडियम से खींच लिया, यानी कि क्लोरीन की एफिनिटी इलेक्ट्रॉन्स के लिए बहुत ज्यादा थी। तो दोनों कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड में। लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, अब इसका मतलब क्या है? सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है? तो जो इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, इसके पास 8 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं,
वैलेंस शेल में और सोडियम के पास वन है, तो इनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, यानी कि इस एटम की, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से जो नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो नेगेटिव चार्ज है, वो काफी ज्यादा है। मान लो अगर इसके पास 6 होता तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होता, बट अभी क्या है, वो बहुत ज्यादा है। यहाँ सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज दे रहा है इसको लास्ट शेल में, और यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट कर रहे हैं वैलेंस शेल में, सो द डिफरेंस इज वेरी हाई। तो ये तीन कंडीशन होती है जिनमें हमारा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, राइट? आई होप द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग इज क्लियर टू यू। नाउ वी नेक्स्ट मूव टू कोवैलेंट बॉन्ड और अ मॉलिक्यूलर बॉन्ड। वी यूजुअली कॉल इट कोवैलेंट बॉन्ड, बट अगर मॉलिक्यूलर बॉन्ड भी कोई डिनोट करता है तो यू शुड अंडरस्टैंड दैट दे आर रेफरिंग टू कोवैलेंट बॉन्ड। अभी कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड होता है, जैसे हमने देखा कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू ट्रांसफर, दिस ट्रांसफर पूरा का पूरा उठा के हमने दे दिया। लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड में ऐसा नहीं होता। कोवैलेंट बॉन्ड में दो एटम, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या होते हैं? शेयर होते हैं। जैसे कि स्कूल में एक बच्चा है, इसके पास टिफिन बॉक्स में एक ब्रेड है, इसी तरह से इसका एक फ्रेंड है जिसके पास टिफिन में एक ब्रेड है, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, एक टिफिन बॉक्स कॉमन बना लेंगे जिसमें कि दो ब्रेड हैं, तो इसकी भी नीड फुलफिल हो गई और इसकी भी नीड फुलफिल हो गई। दिस इज कॉल्ड शेयरिंग। लेट्स बिगिन। दीज आर द बॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दिस बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म्ड बिटवीन टू नॉन मेटल्स। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। Covalent bond is formed between non-metal, non-metal and non-metal. Please remember this. Covalent bonds can be of these types. या तो वो single bond हो सकते हैं, या फिर double bond हो सकते हैं, या triple हो सकते हैं. In fact, tetravalent bond भी होते हैं. अब हम देखते हैं actually इनमें sharing कैसे होती है. Let's begin with an example of chlorine. This is our chlorine मॉलिक्यूल। अभी हमने देखा था क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2, 8 and 7। यहाँ पे दूसरा क्लोरीन का एटम है जिसका भी सेम कॉन्फ़िगरेशन होगा। दिस इज शॉर्ट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, दिस इज शॉर्ट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। तो ये आपस में क्या करेंगे, लेट्स ड्रॉ दिस 2, 8 and 7। दिस इज 2, 8 and 7। Let's not take it 7 like this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. अब ये दोनों आपस में क्या करेंगे, अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे। क्या कर लेंगे? शेयर कर लेंगे। तो अब इस वाले क्लोरीन के एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सो दिस हैज गॉट 2, 8 and 8। इस क्लोरीन के एटम के पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 8, 8। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, पर्पस सॉल्व्ड, स्टेबिलिटी अटेंड, एंड हेंस दे आर हैप्पी फॉर्मिंग Cl2, बिकॉज़ 2 क्लोरीन हैव गॉन अंडर दिस बॉन्ड फॉर्मेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हाउ इज ट्रांसफर डिफरेंट फ्रॉम शेयरिंग। चलिए अब देखते हैं HCl, HCl, हाइड्रोजन नॉन मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल, बॉन्ड फॉर्मेशन विल बी कोवेलेंट। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर इज 1, सो इट हैज ओनली गॉट वन शेल विद वन इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन हमने देखा था इट इज 2, 8 and 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7। हाइड्रोजन को अपना फर्स्ट शेल जिसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, उसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ही नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, बट अभी उसके पास कितने हैं, सिर्फ 1, यानी उसको 1 और चाहिए। क्लोरीन को कितने चाहिए, इट हैज गॉट 7, इसको
7 प्लस 1 यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अब ये दोनों आपस में क्या करेंगे, दोस्ती कर लेंगे। अब हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, प्लीज कीप दिस अपार्ट, हाइड्रोजन हैज गॉट 1 एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन हैप्पी, हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्लोरीन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, क्लोरीन हैज गॉट 2, 8 and 8 इलेक्ट्रॉन्स, क्लोरीन हैप्पी, हाइड्रोजन हैप्पी, बोथ फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड, दैट इज इन्होंने कंप्लीटली अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं किया, इन्होंने आपस में शेयर कर लिया एंड हेंस दे फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका हम, द बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन वॉटर दैट इज H2O, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर इज 8 एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज 2 and 6, हाइड्रोजन का वी नो इट इज 1, सो लेट्स टेक ऑक्सीजन विच हैज गॉट 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट शेल एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स 1, 2, 3, 4, 5 and 6। अब ऑक्सीजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यानी कि इसको 2, 8 बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। अभी 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से लेगा, पहले ये एक हाइड्रोजन से दोस्ती करेगा जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और ये आपस में शेयर कर लेंगे, तो दिस हाइड्रोजन हैज गॉट 1 and 2 यानी कि H के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इसका फर्स्ट शेल कंप्लीट, ही इज हैप्पी। बट ऑक्सीजन के पास कितने बचे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, तो ऑक्सीजन तो हैप्पी नहीं हुआ क्योंकि इसके पास तो 7 है बट इसको कितने चाहिए 8, तो ये एक और हाइड्रोजन को बोलेगा कि तू भी मेरे से आके दोस्ती कर ले, अब इसके पास भी एक है, जब ये दोनों शेयर करेंगे तो दिस हाइड्रोजन इज हैप्पी, गॉट 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल एंड नाउ ऑक्सीजन हैज गॉट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 इलेक्ट्रॉन्स और फाइनली ऑक्सीजन इज हैप्पी विद 2 and 8 कॉन्फिगरेशन विच इज अवर स्टेबल कॉन्फिगरेशन। So this is how H2O, H2O यानी कि water molecule is formed. So I hope with this आपको chemical bonding and covalent bonding की understanding आ गई होगी. Let's move further. Now what are the conditions for the formation of a covalent bond? Atom के अंदर 4 या 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में होने चाहिए। अब ऐसा क्यों होता है, मेटल्स यूजुअली हैव 1, 2 and 3 और किसी किसी में 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, मान लीजिए मेरे पास जैसे सोडियम था या फिर कैल्शियम था, इनके पास वैलेंस शेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनको देना आसान होता है रेदर देन 7 या 6 इलेक्ट्रॉन्स को लेना। तो अगर इनके पास 4 या 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये क्या कर सकते हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को ले सकते हैं। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं, लाइक फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है और लेकिन उसके बावजूद भी ये एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। वैसे कंडीशन कहती है इट शुड हैव 4 और मोर, बट हाइड्रोजन के पास 1 होने के बावजूद भी ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। इसी तरह से हमारे पास मेटल्स में एल्यूमिनियम हैज गॉट 4 इलेक्ट्रॉन्स बट स्टिल इट फॉर्म्स अ इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड नॉट अ कोवेलेंट बॉन्ड। बोथ एटम्स शुड हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि जैसे अभी हमने देखा था क्लोरीन एंड क्लोरीन इट फॉर्म्ड अ कोवेलेंट बॉन्ड, इसकी भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी है और इसकी भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी है, तभी तो ये आपस में इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करने की बजाय उसको बोल रहे हैं कि मैं कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे साथ सिर्फ शेयर कर सकता हूं, और ये दोनों का केस होता है, इसीलिए आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होनी चाहिए और साथ में इलेक्ट्रॉन को खींचने की भी एफिनिटी, जो हमने देखा था अभी व्हाट इज एफिनिटी, एफिनिटी इज अट्रैक्शन, खींचने की भी हाई होनी चाहिए और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए वो भी हाई होनी चाहिए। Our last point is both atoms should have high ionization energy. Ionization energy हमने क्या देखा था,
जैसे NaCl के केस में सोडियम की लो आयनाइजेशन एनर्जी थी, यानी कि लेने की एनर्जी कम कम थी और देने की एनर्जी ज्यादा थी। यहाँ पे क्या है, देने वाली एनर्जी नहीं होनी चाहिए, कौन सी एनर्जी होनी चाहिए, लेने वाली, जिसकी वजह से क्लोरीन और क्लोरीन आपस में अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो शेयर कर पाते हैं। मान लो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी लो होती तो ये क्या करता, अपना इलेक्ट्रॉन उठा के देना शुरू कर देता और ये कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनता, विच इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ क्लोरीन और एन एटम जिसके पास चार या चार से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को देना पॉसिबल नहीं होता बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। सो दीज आर आवर कंडीशंस जहां पे हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन कोवेलेंट होगा। सो विद दिस आवर टुडेज वीडियो गेट फिनिश्ड। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑन द बॉन्ड्स, दोनों कोवेलेंट और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड पे इलेक्ट्रिक करंट का क्या फर्क आता है, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं इन दोनों बॉन्ड्स की, रिडॉक्स रिएक्शन जहां पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होता है, एंड फाइनली द कोऑर्डिनेट बॉन्ड विच इज अनदर टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड। सो प्लीज हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक द वीडियो, और आपकी कोई क्वेरीज हो तो प्लीज फील फ्री टू शेयर योर क्वेरीज इन द कॉमेंट सेक्शन। हिट द लाइक बटन एंड शेयर अवर वीडियो टू एज मेनी स्टूडेंट्स एज यू कैन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।